हाय, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। कलीना में है हम और बिल्कुल एयरपोर्ट के फेंसिंग साइड पर है। एंड आई एम विद अनदर फहद, माय नेम इज फहद, ही इज आल्सो फहद, आई एम जरीवाला, ही इज खान। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम फहद। आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग समबडी हु इज बाय द सेम नेम फहद। ग्लैड टू हैव यू ऑन चैनल। इनकी ग्रेट ऑनर टू बी ऑन एफएसए एंटरटेनमेंट। प्लेजर प्लेजर। ये जो है बेसिकली हमारे चैनल पे पहले आ चुके हैं। यस। फॉर सम रीजन आई कुड नॉट कम हियर, सो आई सेंट अरफात जलाल टू शूट ऑन माय बिहाफ। इनका फार्म है, क्यूट सा सेटअप है यहाँ पे जी। एंड ये पलाई भी करते हैं, भराई भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग मींस ओनली क्वालिटी गोट्स। ओनली क्वालिटी गोट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फार्म? एम्पायर गोट यार्ड। एंड व्हाई एम्पायर गोट यार्ड? वी हैव अ बेसिक अनदर बिजनेस एज वेल, तो उसमें सबका नाम एम्पायर है तो हम इसका भी नाम एम्पायर ही रखे। और फार्म है नहीं तो इट शुड बी लुक, इट शुड बी गुड, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एम्पायर गोट यार्ड करके रख दिया। Good, good. I think yard makes sense. Huh? Yeah. है ना? Yard because it's not a basically a big farm. It's not a farm. It's a setup. So yard, I think it's a very appropriate name. कल मैं ऐसे ही बैठ के बना रहा था एक लोगो जैसा, मैं बोला क्या डालूँ, तो एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग डाल दिया मैंने। बोला एम्पायर गोट यार्ड डाल देता हूँ। सो विल इस वीडियो में आपके छोटे से यार्ड का टूर कराते हैं इंशाल्लाह। एंड ये यार्ड का सजेशन किसने दिया? क्योंकि नॉर्मली पीपल डोंट कम अप विद दिस। सब जो दो बकरे भी पालता है ना घर के बरामदे में, वो फार्म लिख डालता है। यार्ड बेसिकली ऐसे ही हम बैठे थे तीन चार लोग घर के फैमिली मेंबर्स, तो बोले फार्म 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 बहुत कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ स्टैंड आउट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इसीलिए फैमिली को भी पढ़ा लिखा रहना जरूरी है। इट शोज दैट ही कम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, दैट्स व्हाई। लेट्स वेंचर इनसाइड। सो फहद, दिस इज योर सेटअप। यस। एंड हाउ मेनी गोट्स डू वी हैव? कितने बकरे हैं पलाई पे? हमारे पास 62 गोट्स है माशाल्लाह से, और बाकी के 7-8 बकरे। 62 बकरे आ गए? और कितने सालों से आप एम्पायर गोट यार्ड? हम फार्म रन कर रहे हैं आज से 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। एंड यू स्टार्टेड विद हाउ मेनी गोट्स? 10 लोग, वो भी खुद के। फिर माशाल्लाह धीरे धीरे बकरे तैयार हुए तो सब आने लगे। 62 तो आई थिंक फुल हो गया, कचाकच भरा हुआ ही है। नहीं फात भाई, इसमें हम लोग ने 96 बकरे पलाई पे रखे थे लास्ट टाइम जब अरफात भाई आए थे, तो पूरा कचाकच भरा हुआ। तो खसी होगा ना? अभी तो मुझे कोई जगह नहीं दिख रही है। खसी अंडू सब थे, हम लोग तो पूरा रेलिंग वेलिंग सब था। इंशाल्लाह अभी केजेस का भी और काम करेंगे तो उसमें और बकरे के लिए अकोमोडेट करेंगे। दिस इज योर ओन्ड प्लेस और रेंटेड प्लेस? रेंटेड प्लेस है। परवड़ता है आपको 60 बकरे में रेंटेड प्लेस, वो भी ये एरिया में लेके रहना? शौक है, कर रहे हैं, अल्लाह चला रहा है। कमा लेते हो कि जेब से जा रहा है? अभी फिलहाल जेब से जाता है भाई। हाँ, अगर कमाएंगे तो बकरे में रिजल्ट नहीं आएगा। पलाई का रेट क्या है आपका? 50 किलो के नीचे 2,500, 50 से 80 80 के बाद 3,500। खस्सी अंडू मेंढा इट्स वन इन द सेम। 50 किलो के अंडर जो है 2,500, 2,500 50 से लेके 80 तक के 3,000, और 3 के ऊपर 80 किलो के बाद 3,500 रुपये। खस्सी हो, अंडू हो, मेंढा हो, कुछ भी हो। और बकरा है यहाँ पे 80 किलो के ऊपर? अभी फिलहाल ये 80 टच किया है। खुद ही का बकरा है आपका जो एक 80? नहीं, ये भी मतलब थोड़ा एक बहुत क्लोज फैमिली के है। ओके, उनका बकरा है। यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? बहुत बड़ा बकरा है एक्चुअली, वाइड एंगल है तो जस्टिस नहीं कर रहा है। वो 55 केजी या 56 केजी पे आया था, उसका भी वीडियो है अपने पास। आप तो और क्या चार्ज करते हो? व्हाट आर द हिडन चार्जेस? और 1000 वैक्सीनेशन चार्ज, दैट्स इट। और कोई हिडन चार्ज नहीं है उसका। ओके, 1000 वैक्सीनेशन, 1000 वैक्सीनेशन चार्जेस। ओके, फैंटास्टिक। और क्या है रिजल्ट, क्या है आपके वहाँ पे? शुक्र है अभी तक तो माशाल्लाह 4-5 किलो एवरेज चल रहा है। कोई कोई एक्सट्रीम बकरा है जो खाने में अच्छा है, वो 7-8 किलो भी दे रहा है, लेकिन वो हर मंथ का नहीं। वो बोलेंगे ना आप कि ये मैंने अगर 7 किलो दिया तो नेक्स्ट मंथ 3-4 किलो, लेकिन माशाल्लाह माइनस में अल्लाह का शुक्र है कोई बकरा नहीं। रिकॉर्ड कैसे रखते हो आप? कितने कौन सा बकरा कितने किलो पे आया था, कब आया था? रखते हैं और एक फॉर्म बना हुआ है, उस पर हम लोग जैसे ही आता है हाइट है, वेट है, कलर है, वो सब मेंशन करके रख देते हैं और जो ओनर है उनको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। 60 बकरे मैनेज करने के लिए कितना स्टाफ है आपके पास? अभी फिलहाल के लिए 2 है, मैं तीसरा हूँ और मेरा भाई है, हम लोग मतलब कोऑर्डिनेट करते रहते हैं सब। सो यू आर द सोल ओनर और आप पार्टनरशिप में हो? नो, सोलो। हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर इन अ डे? इन अ डे आई बी हियर द होल डे आई बी हियर। आपका जो मेन बिजनेस है वो बगल में ही है? वो तो माशाल्लाह अब्बा नहीं, यहीं पे है। हाँ, यहीं पे, यहीं पे। It's easy for you to come, na? It's very easy. Okay. इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया ना, तो पड़गा में होते। Good, yeah. At a very young age. How old are you, by the way? 24. 24. At 24, you started a farm. Good. Yes. Who gave you the suggestion of starting a farm? My dad. Your dad? Your dad is also a bakraholic? Mad. Mad? Mad. Yeah, na? Mad. Very mad. Very good.
क्या नाम है आपके डैड का? हारून. एंड ही इज नॉट इन इंडिया? ना, ही इज इन दुबई. ओके ओके, आई होप ही वॉचेस द वीडियो. कुछ बकरे बता देते हैं. yes. ठीक है, बाहर निकाल yes, के yes, भी बताएंगे. yes, yes, ये जो बकरा है, दिस इज आपके पर्सनल रिलेटिव का है, राइट? यस, ये सिनान भाई का बकरा है, माशाल्लाह से. जी जी जी, अच्छा है. बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी हाइट का बकरा है. इसको खड़े लेके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. है ना? और ये बेचने का इरादा है इसमें कुछ? ये पर्सनल कुर्बानी का है. तो इसका तो पर्सनल है, तो पलाई भी वैसी होगी. अदरवाइज ये वजन का 3,500 रुपए, 3,500 रुपए. ये कितने किलो का है? ये अभी 80 क्रॉस किया है, तो अभी ये मन से इसका मशीन रखी हुई है आपके फार्म पे? ये मशीन रखी हुई है जो आपके पास पलाई पे बकरे देता है. तो कितने मरतबा यहाँ पर आ सकता है? मैंने आपका एक कल देख रहा था, आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू योर प्रोफाइल. बोले वीकडे अलाउड ही नहीं है. अलाउड नहीं है, क्यों मालूम है फात भाई? कैसा, घर से नज़दीक है ना, लोग बार बार आते हैं, तो कैसा है, काम में डिस्टर्ब होता है. okay. कभी लड़का खाना डाल रहा है, और अंडू में आपको मालूम है यहाँ पे ज्यादातर कूटे हैं, तो कैसा है, वो नीचे ट्रे रखी रहती है, तो वो क्या करते हैं, बकरे ना गर्म हो जाते हैं, तो फिर वो लात वात मारते हैं. इसके लिए हम लोग ने ऐसा सजेस्ट किया कि सैटरडे एंड संडे आ सकते हो. आप रहते हो सैटरडे संडे यहाँ? मैं एवरीडे यहाँ रहता हूँ. ये जो 62 बकरे हैं, टोटल कितने क्लाइंट्स हैं 62 बकरों में? टोटल क्लाइंट्स होंगे 50-52 क्लाइंट्स होंगे. अच्छा, एक एक का एक एक दो दो बकरे ऐसे हैं क्या जो हमारे साथ 3 साल पहले जुड़े हैं, माशाल्लाह आज तक के अल्लाह के हुक्म से साथ हैं. वेरी नाइस, अल्लाह का एहसान. आप भराई जो करते हैं यहाँ पे, मुझे कोई भराई का बकरा नहीं दिखा. पिछले साल यहाँ रखे थे, लेकिन बहुत क्लमजी हो गया था सबके, और बहुत क्राउड आना जाना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग के भी बकरे हैं, फिर बाजू में मेरे फीड शॉप है, तो बहुत मतलब कैसा तो, लोग आते जाते, तो मैंने थोड़ा सेपरेटली. तो कहाँ पर है भराई का आपका? अभी इंशाल्लाह वो बताएंगे बाद में. यहीं पे हाँ. ओके, एंड हाउ मेनी गोट्स यू हैव ऑन भराई? अभी फिलहाल के लिए 2 ही रखा हूँ, और इंशाल्लाह 3 और लूंगा. खस्सी के अंडुल? दोनों अंडुल. लास्ट टाइम भी आपने जब अरफा से शूट कराया था, वो भराई के बकरे थे, बड़े बड़े बकरे बिके थे या नहीं बिके थे? बिक गए थे. गुड गुड गुड. क्या देवनार जाना पड़ा आपको? देवनार उसमें से 3 बकरे गए थे शायद, वो खाली कुछ रेट का प्रॉब्लम हो गया था. और थोड़ा हमारा भी कुछ. एंड व्हाट आर योर चार्जेस फॉर भराई? 10,000 रुपए. 80 अंडों का तो भराई तो मैंने सुना लास्ट के 4-5 महीने लोग करते हैं. नहीं नहीं, हम लोग पर मंथ करते हैं, और हमारे यहाँ पे भराई कराएगा ना कोई, माशाल्लाह से हम लोग 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो भी कस्टमर है, चाहे वो पलाई के भी क्यों ना हो, आके आप वेट करो, सीधा आओ वेट करो सामने, या तो हम लोग मैक्सिमम तो लोग हम लोग को वीडियो भेज देते हैं. तो भराई में तो कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना कि भाई इतना महीने का आपका कर रहा है. नहीं दे सकते ना. हाँ. कभी देखो, अभी मिनिमम तो होना चाहिए कि एटलीस्ट 7 kg होता है. होता ही है खसी बकरों में? खसी अंडू दोनों. Okay. जैसा बकरा है फात भाई, अगर बकरा अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे लेंथ का है, और भरने वाला अच्छा है, भराई की सैटिस्फाइड 5-6 किलो तो नॉर्मल सेल्फ फीडिंग में बकरे दे देते हैं. भराई खाली उसका जो लुक आता है ना बकरे का भराई, तो वो थोड़ा अलग आता है. वेट तो माशाल्लाह ये भी लेते हैं, बट वो थोड़ा वो लटकन लटकन आ जाती है, और बकरा थोड़ा मतलब उसमें अलग ही दिख के आता है. आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एग्री विद यू ऑन दैट. ठीक है, तो ये जो बकरा है ये आपके पर्सनल फैमिली रिश्तेदार का है, नॉट फॉर सेल. एक ये जो बकरा है ये वाला, दिस इज अप फॉर सेल. इसको अलग से निकालेंगे बाहर, एक वीडियो बनाएंगे. वैसे कितने दांतों पर है ये? 4 दांत पे आया था फात भाई. बताओ चेहरा चेक कर लेंगे. इसका नाम मुफासा रखे बच्चे लोग. उठाओगे आप इसका? मुफासा माशाल्लाह. 4 दांत पे है अभी के? 4 दांत पे आया था. 4 दांत पे आया था. अब 6 कब आया था? ये आया अभी, इसको 20 दिन हुआ है फाद भैया. ओके ओके जी. कितने किलो पे आया था आपका ये? एक्चुअली पूरा रॉन्ग डिटेल पे आया था. अभी पूरा रॉन्ग डिटेल पे आया था. नहीं, आपके पास आया था? मेरे पास आया. वजन तो कराए होंगे ना? 61 kg पे आया था. 20 दिन में उतरा है कि चढ़ा? चेक ही नहीं किया फाद भैया, देख लेंगे इंशाल्लाह. हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू इट? सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ डू यू वेयर योर गोट्स? वन टाइम. इज द मशीन ऑन? या मशीन इज ऑन. कराए हम कर दें, यू रिमेंबर? या तो फिर अपन जब इसका सेलिंग का वीडियो बना दे तब कर देंगे. बट हाउ डू आई बिलीव कि भाई ये 60 पे आया? चलेगा ना इंशाल्लाह, देखिए. नहीं, हाउ डू इट्स देयर. मेरे पास जितने बकरे अंदर एंटर करते हैं ना, हर एक बकरे का वीडियो है क्या वेट पे आया है. फैंटास्टिक. एक बकरे का वीडियो और कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन थोड़ा यहाँ स्पेस कम है ना, इसके लिए यहाँ रखा नहीं, बाकी है माशाल्लाह. गुड गुड, आई थिंक डू दैट. कितना मांग रहे वैसे आप इसका? महंगा है? नहीं, महंगा नहीं है, रीजनेबल है. क्यों मालूम है फात भाई? बताने का रीजन नहीं है, क्योंकि मेरे शौक के बकरे. तो क्या हुआ, अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई फिर वो बाद में ना प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है फात भाई, अभी एक एक्स रेट लगा दिया किसी ने. हाँ. अब 3 महीना अगर मैंने इसको पाल लिया तो मेरी भी तो कॉस्टिंग लगेगी. यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन ना, कि भाई 3 महीने पुरानी वीडियो है, 3 महीने में ही दिलाया. नहीं मानते तो लोग बेवकूफ है. देन यू शुड बी एबल टू कन्विंस देम.
पार्थ भाई आप कितना भी कन्विंस करो ये लाइन में कन्विंस ही नहीं होंगे ना। आप अगर 100% रिजल्ट भी दोगे ना तो कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ पॉइंट निकालेगा ही निकालेगा, मतलब वो 99 चीज अपना छोड़ देगा, वो एक चीज पकड़ के बैठेगा। 40 के अंदर है या नहीं? ऊपर है, 50 के अंदर है। 50 के अंदर, ओके ओके। मेरे ख्याल से होगा अभी 65 किलो के करीब होना चाहिए, 60-65 ही होना चाहिए। 60 पकड़ लो, 38 हाइट है। ओके, कोई के ब्रीडिंग सेटअप भी है आपका यहाँ पे? बकरियाँ भी नहीं, पालते नहीं, हो? ये मेरे नेबर की वो फीमेल है, उसने बच्चा दिया। बच्चा देने यहाँ पे आती है वो? नहीं नहीं, यहाँ पे रखी है, यहाँ पे एक ही बकरी मतलब बनूर है, इसके लिए रख ली है। किसी को बकरियाँ रखना है तो बकरियों का क्या चार्ज है? नहीं लेते बकरियाँ, नहीं, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम अंडू है और स्पेस इतना है नहीं। अभी अंडू और खसी इफ यू हैव टू काउंट तो कितने अंडूल है कितने खसी है हमारे पास? अंडू 29 अंडू है। इस बाड़े में भी खस्सी अंडू मिक्स है, जो अंडू लड़ता नहीं है वो खुला है। ओके, जो अंडू एग्रेसिव है वो बाहर। ओके ओके, चलिए ये बेचना है अंडर 50, इसका एक सेपरेट वीडियो बता देंगे, चलता फिरता आप देख लेना कैसा है। ये बच्चे बेचने हैं आपको? नहीं नहीं फात भाई, ये पलाई पे फ्री में पालते हो इनको? नहीं नहीं भाई, ये बकरों के हो गए ना तो? नहीं नहीं नहीं, ये 3-3 महीने के, ये लिलीपुट बैंटम्स है फात। अच्छा, ये वाला माँ के दूध पे? वो वाला माँ के दूध पे। तो इनकी क्या पलाई रेट है? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये 15 किलो के बच्चे का? 15 भी नहीं है लेकिन फिर भी 2,500 रुपये। क्यों, आपका तो वेट वाइज आ रहा था ना 50 के अंदर है ना फादर। क्या खाते हो गए यार भाई? भाई इनको मेंटेन करना और बड़ी बात है, क्योंकि ये अगर बीमार पड़ जाते ना, इनको बीमारी से रिकवर करना बहुत बहुत बड़ा। इमरान भाई भी यही कहते हैं जीडी वाले कि बच्चों में बहुत बच्चों में टाइम भी बहुत जाता है, और बच्चे अगर अल्लाह ना करे बीमार पड़ते ना फाद भाई, मतलब बड़ा बकरा जितना टाइम नहीं लेता रिकवर होने के लिए ना, बच्चा बहुत टाइम ले लेता है। अब मेंढो का भी वही चार्ज है? पलाई का वेट वाइज मेंढे का खाली वन टाइम हेयर कटिंग हमारा रहता है, और हर महीना हम लोग बाल कटाते हैं, तो वो जो भी चार्ज रहता है। क्यों ऐसे, बाकी के फार्म वाले तो नहीं लेते? लेते होंगे फाद भाई, नहीं लेते हैं यहाँ पे तो 200 रुपया हेयर कटिंग का लेते हैं, तो नहीं पड़वाता फाद भाई। नहीं पड़वाता, क्योंकि मेरी डाइट माशाल्लाह अच्छी है, क्योंकि देखो फाद भाई मैं शौक से बकरे पाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे भी हर महीने कोई बकरे के बाल कटाता नहीं है। नहीं, मेंढे के हम कटाते, मेंढे के कटाते और नाखून हर महीने कटते ही कटते, और उसका भी वीडियो हम कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते। तो यानी हर महीने यानी 5 महीने का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाएगा मेंढे का बाल कटाना, खुर कटाना एंड ऑल। अब कोई बंदा बोलता है बाल नहीं कटाओ, इनकेस कोई बकरा जो है बहुत सीरियसली बीमार हो जाता है जी, और यू चार्ज देम एनीथिंग एक्स्ट्रा? नथिंग। मेरे कस्टमर्स अगर देखते होंगे, कौन कोई वेटनरी डॉक्टर आता है यहाँ पे? बहुत अच्छा डॉक्टर है माशाल्लाह, डॉक्टर हरी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको माशाल्लाह, वही हैंडल करते। डू यू ऑफर एनी वेट गेन अश्योरेंस, मोर्टैलिटी अश्योरेंस? नथिंग करते, नो मोर्टैलिटी, खुदा ना खास्ता अगर मोर्टैलिटी हो गई। पर देखो उसमें भी कैसा है ना, बकरा एकदम से बहुत रेयर मरता है, और मरता भी है तो कुछ ना कुछ सिम्टम देता है। अगर बकरा बीमार है तो हमारी ड्यूटी है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना, अगर हम इन्फॉर्म करके रखते हैं और कुछ होता है तो फिर टेंशन ही नहीं। ओके ओके, ठीक है। फहद बताओ इसके बारे में, ये किसका बकरा है? ये माइम से ताबिश भाई का बकरा है, इसका नाम चाओ है, दो दांत पे माशाल्लाह कश्मीरी है। चाओ तो बेला चाओ वाला क्या सा, हाउ डू यू स्पेल इट? CHI CIO। ओके, चाओ वो यहाँ यहाँ पे जो बकरे हैं, मैंने कुछ बकरे देखा बड़ी बड़ी सिंग वाले, मैदानी जंग पे जाते हैं यहाँ से? जी जाते हैं। तो उनका अलग तैयारी करते हो आप? उनका हम लोग तो बेसिकली नॉर्मल ही तैयारी है, बाकी जो जो लेके जाते हैं वो लोग अपना देखते हैं। ओके 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 ओके, लेकिन उनके लिए अभी भाई ओनली सैटरडे एंड संडे है, हाँ दो दिन उनको मिलता है, या तो फिर आप बकरा लेके जा सकते हो। ओके, आगे है एक कश्मीरी और सानेन है, ये वाला बेचना वेचना कुछ नहीं है किसी को? ये हमारे बहुत क्यूट कस्टमर है, हाँ, मोहम्मद हादी नाम है शायद, यही कुर्ला के है जी, जी। माशाल्लाह स्कूल गोइंग बॉय है, लेकिन शौक बहुत है माशाल्लाह, ये उनका बहुत चहीता बोर है। अच्छा, इतनी छोटी जब रस्सी बांध देंगे जी, वो अपने पीठ तक के यानी दुम तक के खुजा पाएगा, उतना पीछे जाता है उसका? भाई देखो कैसा है ना, खुजाएगा बकरा कब, जब उसको इरिटेशन होगा, गंदा होगा तब होगा। अब ये बकरे माशाल्लाह हम लोग ने लिमिटेड रखे, और आदमी दो रखना इतने बकरे में भी ना ज़्यादा ही है, तो हम लोग कैसा उनको नहलाते भी है टाइम टू टाइम, सब करते रहते हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी यहाँ भी केज बनेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा लंबी रस्सी करोगे बाहर बनते हैं ना, बाहर बांधते हैं चार चार बकरे करके बाहर बनते हैं। ओके, ये अपने जुल्फिकार भाई का बकरा है, ये देवनार से आया था,
105 डिग्री टेम्परेचर पे था, फेफड़े की बीमारी में था, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मुझे सामने है और वेट गेन भी दिया है माशाल्लाह। मोर्टेलिटी कितनी हुई अपने फार्म पर? फाल ईद से लेके अभी तक के तीन ही बकरे गए। तीन बकरे? व्हाट वाज द रीजन? रीजन वही बाहर से सफर करके आए थे। अच्छा, इमीडिएटली मर गए? इमीडिएटली नहीं, तीन दिन। देखो कैसा है ना, मैं एक रिकमेंड करूँगा पब्लिक को कि जब अपन बकरा मंगाते बाहर से सो बकरा ट्रेन से मंगाओ भाई, क्योंकि ट्रेन से कैसा है, एक बकरा आएगा, दो बकरा है, जो भी बकरा यहाँ मरा है ना वो गाड़ी से आने वाले ही बकरा मरा है, अल्लाह ने जाने क्यों, लेकिन वही बकरे का मोर्टेलिटी हुआ है। ओके, आई एम ग्लैड यू स्पीक वेल, अल्लाह का है ना, वरना मुझे कितने लोग हैं जिनका इंटरव्यू लेता हूँ वन वर्ड आंसर देते, मेरा अभी तक के तीन वीडियो बन जाते हैं और हम एक ही वीडियो पे अटके हुए, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस मक्की चीना कलर? ये मक्की चीना अपना कोटा है, चार लाख में जी, ये बेचने के लिए है। सस्ते में आपने बोला, बहुत सस्ते में देते हो आप, क्वालिटी है, सस्ते में देंगे। कितना है, 20,000 का? ये 27,000 का, गुड गुड, डिसेंट एनफ। कितने किलो का है? 45 नहीं, 50 आप है, 50 किलो, 50 के ऊपर, 50 किलो पकड़ो लेकिन 50 के ऊपर। ठीक है, हम जो भी वीडियो या रील्स बनाएंगे वजन का हम कर लेंगे। ठीक है, और हैदराबादी के लिए 41 का बकरा है माशाल्लाह, वो चार दांत के। मैं भी बीच में एक पोल रन किया था मेरे चैनल पे, क्या कौन सा बकरा है जो आप फोकट में भी नहीं लोगे बॉम्बे में, तो पब्लिक ने सबसे ज़्यादा किसको वोट किया था? बीटल, और फिर बाद में हैदराबादी है रॉल। तो वाई इज इट लाइक हैदराबादी और बीटल पब्लिक का डिमांड ही नहीं है बॉम्बे में? कोटा, हंसा, मालवा जब तैयार होते ना फार्म में, उनकी ब्यूटी एक अलग ही होती है और ये वो ब्यूटी पे जाते नहीं। ये लो, लो, किसी ने क्या कह दिया था, कमेंट किया था, विच आई कम्प्लीटली डिसएग्री, कि हैदराबादी बहुत महंगे महंगे आते हैं इसलिए पब्लिक नहीं भाई पाती। ये मैं माशाल्लाह इतने वाजिब पैसे में दूंगा ना? नहीं नहीं, ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लंबे कान वाले। अच्छा, बट एक्चुअली क्या है, कोटा लोगों ने देखा नहीं कितने कितने रुपए में लोग खरीद रहे हैं, कोटा साने 2-3 लाख के लोग खरीद रहे हैं भाई। मैंने यहाँ से माशाल्लाह कोटा 3.5 लाख रुपए में कोटा बेचा है, यहाँ से भराई का होगा ना? सेमी भराई पे। अच्छा, 120 मतलब वो कैसा है ना, बकरा देखो कितना दाना खाता है ना, कभी कभी छोड़ देता है। ओके, हर एक बकरा रोज एक जैसा दाना, एक जैसा पत्ती नहीं खाता। तो ये आप वाजिब दाम बताया नहीं आपने इसका? ये हम लोग दे देंगे इंशाल्लाह 45,000। कितने दांतों पर? ये चार दांत पे 41 हाइट है और वेट में आएगा 60 केजी के आसपास। कानों की लेंथ कितनी? कानों की लेंथ तो मैंने चेक नहीं किया, वही तो चेक करते हैं ना। ठीक है, ये वाला, ये तो हादी का बोर है, ये पलाई पे। ओके, ये वाला, ये इस्लाम भाई का बोर है, ये ब्लैक एंड ब्लैक है। हाँ नहीं, ये देसी बोर है, देसी, ये देसी बोर है, उस्मानाबादी में क्रॉस हो सकता है भाई, जो भी है। उसको ना गाट आई थी आगे पैर के साइड में, वो उधर फट गई है। और मेंढे? और मेंढा, ये पर्सनल है ना मेंढा बैठा हुआ है? ये वाला, ये पर्सनल है, ये इंशाल्लाह सेल आउट करेंगे। 65 केजी है, 4-6 दांत पे होगा, चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। ये भी उस पर्पस के लिए है? नहीं फात भाई, ये शो के लिए, ये शो के लिए। ये अब भी आया है बच्चा, आज इसका 7th डे है। ये भी एक कुरला के नए भाई अपने से जुड़े हैं। ठीक है, इनके भी बकरे आप देखो, कोई बकरा ऐसा नहीं दिखेगा कि पेट अंदर घुसा हुआ है, माशाल्लाह प्रीटी वेल फेड है। ये कोटा है, ये ये अपने रमेश भाई और आकिब भाई का कोटा है, टाउन से है जो। ये बकरे का भी बेचारे का एक हिस्ट्री है, जो स्नेक में स्किन निकलता है ना जैसे, हाँ, जो स्केल वो लोग स्केल निकलता है, शेड करते है, वैसा पूरे बॉडी में इसको हुआ था माशाल्लाह। व्हाट इज दैट डिजीज कॉल्ड? डिजीज का तो नाम फात भाई उन्होंने सर्च नहीं करे, बाकी हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर आया था, क्या होता था बेसिकली, फात भाई वीक में 3 बार तो आते, तो बाल पूरे झड़ गए थे? बाल नहीं झड़े थे, बाल के ऊपर से ही ना स्किन निकल रही थी और कुछ कुछ जगह के बाल निकल रहे थे। स्किन इन्फेक्शन हो गया था, पूरा एक लेयर निकलता था, पूरा निकलता था, वो कड़क कड़क होके निकल रहा था, कड़क जैसे स्नेक का होता है ना वैसे निकल रहा था उसका। तो ठीक हो गया अभी कम्प्लीटली? अभी माशाल्लाह ठीक हो गया है, अच्छा वेट गेन भी कर रहा है और गर्म भी है। इसका नाम जलाल है, आकिब भाई ने इसका नाम जलाल रखे। कितने दांतों पर है ये? ये 6 दांत कर लिया फादर, 6 दांत पर। ये ये साने ने 2 दांत पे, हाँ हाँ, ये भी 7th 8th डे है इसका। अच्छा, वही मुझे पतला लग रहा है ना, अभी अभी जी आया जो है वो नए, जो सुकड़े सुकड़े लग रहे हैं अभी अभी, वो नए नए बकरे हैं।
एक देखो ये सुखड़ा लग रहा है तो अभी आया, इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये भरा हुआ है, ये पुराना होगा, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे वेट पे जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत है, किसका है ये? ये अपने हसन भाई माइम का है। वेरी ब्यूटीफुल, ये मैदान जंग का बकरा है। अच्छा ये है, और ये बहुत माशाल्लाह इसने तो नाम जब जाते हैं फिर जब रिटर्न आते हैं तो वजन वजन सब तोड़ देते होंगे फिर, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको नहीं फर्क पड़ता, बकरा जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा चैंपियन है कोई? ये चैंपियन है। नहीं नहीं वो अभी भाई चौथा दांत उसने किया है, वो ये साल जाएगा। अच्छा ये चैंपियन है, क्या नाम है इसका? ये स्पीयर है। स्पीयर है, कैन यू इसको उठा सकते हो? स्पीयर चलो बेटा, ये अपने फरहान भाई का बकरा है, माशाल्लाह इसने दो बाजी मार चुका है। कहाँ के? फरहान भाई? फरहान भाई माहिम के। माहिम के, माशाल्लाह। कितने दांतों पर है ये? पूरे दांत पर। ये पूरे दांत पर। डजंट वांट टू सेल एनी ऑफ देम? नो, कोई भी, दोनों बिक्री के लिए नहीं है। बहुत अच्छे पैसे लगे फिर भी नहीं दिए। कितने लग गए थे? ये स्पीयर के 1,25,000 के आसपास लगे थे। कितने में जाता है ये? हाँ फद्दू। अच्छा मतलब वो उसने बाजी मारा है ना, उस पर्पस के लिए, इसके लिए। और वो टर्बो तो अभी तक शो नहीं हुआ आपके चैनल पे, उसका नाम टर्बो है, वो आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम शो हुआ है, मतलब वो उसको शो ही नहीं करता हम लोग। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो अभी चौथा दांत निकाला है भाई, उसको अगर बाहर निकालेंगे वो नाया नहीं है बकरा, बहुत खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह। ये वाला, ये आयान भाई का बकरा है, कुर्ला से जो है। ये एक बकरा आप समझ जो 2-3 किलो ही वेट गेन करता है, कभी कभी रिवर्स भी आता है, पता नहीं क्यों। सही बकरे हैं जो रिवर्स आते हैं? नहीं, ये एक ही बकरा है। ओके, ये एक ही बकरा है जो आगे पीछे चलता है, लेकिन आयान भाई इस कंफर्टेबल देते हैं। उनको हम लोगों ने बोल दिया, जैसे कि कोई बकरा वेट गेन नहीं करता है ना, उनको हम पहले ही बोल देते कि भाई ये नहीं चल रहा है, या तो इसको सेल ऑफ कर लो या कोई और चीज़ में यूज़ कर लो। ओके, क्योंकि कैसा है ना फद भाई, कस्टमर का पैसा लगता है। तो व्हाट इज़ द फीड दैट यू गिविंग? फीड में सुबह में पत्ती चलती है, पत्ती के बाद पानी देते, दोपहर में फिर 3-3:30 बजे के आसपास में चूनी देते, चूनी और कल, उसके बाद में दाना लगता है, दाने में गेहूँ मक्का जौ चना डालते हैं। सभी के लिए कॉमन फीड? सभी के लिए कॉमन फीड। और जो भराई करते हैं उसके लिए क्या बड़बड़ के पत्ते आते हैं? उसके लिए पत्ते आते हैं, कभी कभी इन लोग के लिए पत्ते आते हैं, कभी कभी कहीं से अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो इन लोग के लिए भी आ जाते पत्ते। ओके, एनीथिंग स्पेशल दैट यू गिव वजन बढ़ाने के लिए? नथिंग एज सच, मतलब जो थोड़ा बहुत देते हैं देते हैं। अच्छा, मतलब डाइजेशन पाउडर्स वगैरह है वो सब देते हैं, वो तो कॉमन है फादर आज के टाइम में सब। जी जी जी, ये भी एक अपना कोटा है माशाल्लाह, 6 दांत कर लिया बकरा, 39.5 हाइट पे है, 39 ही पकड़ो। दिस इज योर पर्सनल? हाँ। okay, ये भी बिक्री के लिए? ये भी बिक्री के लिए। ओके, कितने दांतों पर है? 6 दांत? ये 6 दांत अभी किया है। एंड हाउ मच आर यू आस्किंग फॉर दिस वन? 40,000। व्हाई 40,000 फॉर दिस? आई डोंट थिंक मेरे ख्याल से 55 किलो के ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर रहेगा फत भाई, ऊपर रहेगा। उठाओ। नहीं नहीं, 60 क्रॉस है, 60 के आसपास। बकरा अच्छा है, हाइट अच्छी। क्या हाइट की है? 39.5 ना, हमको तो 40-41 बोल के आते हैं। सो यू आर आस्किंग अप्रोक्सीमेटली 40,000? ओके, बहुत डिसेंट अमाउंट है फादर भाई, ना तो 39-38 हाइट के ऊपर जब बकरा जाता है कान में से खून निकल जाता है, कोटी का रेट चलते मन ही नहीं करता कोटा करने के। आप ही ने 3.5 लाख में बेचा और आपका वो, तो भाई वो चीज़ तो अलग निकलना ही नहीं, वो चीज़ अलग थी। और वो चीज़ हमने शोकेस भी नहीं करे, वो माशाल्लाह एक भाई ने अपने कुर्बानी के लिए लिया था। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी। तो ये 40 इज़ द आस्किंग प्राइस, नेगोशिएबल है। वैसे नंबर क्या है आपका? 9167। दिस इज द नंबर फॉर? यस यस, 9167471000। इनका एम्पायर गोटियार्ड करके इंस्टाग्राम आई डी, इंस्टाग्राम आई डी है, इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ सेलिंग के लिए। यही वगैरह सेलिंग के लिए 39 हाइट है, 6 दांत कोटा है। ये अभी इसको 5 दिन हुआ है आके, इसके लिए इसको थोड़ा सेपरेट बांध के रखे, क्योंकि अभी ये थोड़ा केजेस का भी अपना काम चल रहा है, उसमें प्लाईज लगना बचा है, वो इंशाल्लाह। रस्सी छोटी बांधते हो, बकायद बन के खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं, गर्म हो जाता है ना, वो खुद का तो नुकसान करेगा ही करेगा, बाकी और अगर खुल गया तो दूसरे चीज़ का भी नुकसान करेगा। और केजेस ये अभी अभी भरे हुए सारे? सारे मतलब दो बचे हुए, एक दो तीन, दो केज खाली है, जगह है आपके पास? जगह है, जगह है। सेम कॉस्ट राइट पलाई का? सेम कॉस्ट, सेम कॉस्ट। इसमें कैसा है ना, यहाँ भी फात भाई एक 5 केज बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये बड़े बड़े कोटे क्यों नहीं डाल रहे हो अंदर केज में? फात भाई वो प्लाई आने के लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बात हुई थी ना, बोला केज का काम पेंडिंग है। ये क्या है साइज इनका? 4.5x3। ओके, एंड कितना खर्चा आया आपको?
ये 5 kg बनाने में 20-22,000 rupees खर्चा हुआ। 20-25 नॉट बैड, 4,000 का एक केज बना है, 400 यार अपने हैं जो। मैं अभी आमिर भाई का बताना था, एक वीडियो डाला था कल, सो दैट वाज एक्सपेंसिव। वो कैसा है ना फादर, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ता है ना, पड़गा लेके आना जाना ही 3,500-3,000 rupees कॉस्ट का, तो वहीं का माल होगा ना, थोड़ी यहाँ से लेके जाता होगा। ओके ओके, ट्रांसपोर्ट पड़ जाता है और फिर मेटल के भी ऊपर है, शायद उन्होंने और हैवी लिया होगा मेरे से, तो याद होगा। हाँ वो कुछ अलग गेज बता रहे थे, कोई वो हैवी गेज का लिया होगा। ये तो हम लोगों ने माशाल्लाह बोलेंगे ना, इसमें 50% स्क्रैप है और 50% नया है। ओके, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स तो चल जाता है ना, लोहा अच्छा है, लोहा तो लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, तो दो केज खाली है इनके अभी भी, वो पलाई के बकरे हैं? ये पलाई का बकरा है, ये अपना इंस्टाग्राम से बिका बकरा माशाल्लाह, और अपना बासी पलाई पे। ये अपना अरकम भाई है माहिम के, ठीक ठीक, उनका पलाई पे है। कितने दांतों पर है ये? छट्टा लगाया है फाद भाई। ओके, 60 kg अप्रोक्स है, और भाई फार्म का सबसे गर्म बकरा है। अच्छा, बहुत गर्म बकरा है वो, देखेंगे हम उनको। और ये मुंडा? हाँ ठीक है, ये मुंडा, ये मुंडा फरहान भाई का है, फरहान भाई कुर्बानी का। ये एक केज खाली है, ये एक केज खाली है। अब यहाँ पर काफी खसी बकरे हैं हमारे पास, इसमें फात भाई खसी अंडू सब मिक्स है। ये बेचने हैं आपको? नहीं नहीं, इसमें भी पलाई पे माशाल्लाह से। ओके, बेचने वाले 5-6 बकरे होंगे, बच्चे होंगे। ओके, बाकी सब पलाई पे। ये जो खसी का भी सेम ना, 50 के अंडर 2,500, 80 के अंडर 3,000, 80 के ऊपर जो है 3,500, और 1,000 ईयरली वैक्सीनेशन चार्ज। और वैक्सीनेशन फात भाई लूंगा, बहुत जन उसके लिए नेगोशिएट करते हैं। नहीं, सब फार्म पे तो देते ही है लोग। नहीं, यहाँ पे बहुत तकरा करते फात भाई, मत लिया करो ना, आपको थोड़ी गरज है, सब तो फुल है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है फात भाई, देखो रिजल्ट देते ना, टेंशन नहीं आपको। बहुत से एलिगेशन लगाते हैं लोग। ये बैंटम भी बेचारा हाल फिलहाल कसी कर दिया इसको। अच्छा, अंडू था बेचने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये भी किसी कुर्बानी का बकरा है। ये कोटा इसको महीना भर हुआ है आके, बहुत एक्सट्रीम बीमार हो गया था माशाल्लाह। यहाँ से लाइट नहीं आ रही है, हम बाहर निकल के। बाबू वो बाइक अकेले रहो ना, कोई बात नहीं। जी ये सब पलाई के हैं जी, यहाँ पे देसी बच्चे तक। हाँ, काफी देसी देसी रखे हैं, देसी भाई। यहाँ पे कैसा है, डिस्काउंटेड रेट में पालते हो? नहीं, तो सबके लिए सेम है पलाई चार्जेस, सबके लिए सेम। ये 2,500 सब 2,500। और ये कालो नहीं, इतने लंबे कान वाला, ये भी 2,500 पलाई पे। पलाई पे ये जोगेश्वरी वाले भाई का बकरा है। हाँ। ये बकरा है, ये बकरा है, उस पर एक मालवा है। ओके। ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट है जोगेश्वरी के। ओके, तो ये है इनका फार्म, कुछ केजेस खाली है, यहाँ पे भी जगह है, अकोमोडेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। कर एक 17-18 बकरे और अकोमोडेट कर। ओके ओके, फेयर इनफ। चलिए, जिस किसी को भी आना है, जस्ट पुट इट एम्पायर गोट यार्ड, एम्पायर गोट यार्ड डालिए गूगल मैप पे, गूगल मैप पर, और आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर स्क्रीन पर है, इंस्टाग्राम आईडी इनकी एम्पायर गोट यार्ड ही है। ठीक है, जस्ट गेट इन टच विद देम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।